नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं क्लाउड टेकी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू एक्सपोर्ट यूजर मेल बॉक्स, आर्काइव मेल बॉक्स एंड वन ड्राइव यूजिंग पावरशेल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर पर चलते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने एडमिन सेंटर पर लॉगिन कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पर लॉगिन कर लिया है मैंने। और हमें क्या करना है गाइज, हमें पावर सेल ओपन करना है। ओके, तो चलिए एक बार पावर सेल ओपन कर लेते हैं। और गाइज, आप देख सकते हैं कि ये पावर सेल मैंने ओपन कर लिया है रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, यानी कि आपको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है पावर सेल। और गाइज, मैंने कुछ कमांड्स बनाए हुए हैं, उसको आपको यूज़ करना है। ओके गाइज, इस पे हम कमांड यूज़ करेंगे। तो आप सबसे पहले मैंने आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कुछ कमांड्स बनाए हुए हैं अपने डोमेन के लिए। ओके, यानी कि मैं अपना डोमेन नेम है cloudtechie.in, उसके लिए कुछ कमांड्स हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। विंडो आर प्रेस करता हूँ और नोट पैड ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइज, ये कमांड जो है आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ये कमांड आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चार जगह आपका चेंज होगा इसमें। यानी कि कोई भी कंपनी का कोई भी डेटा एक्सपोर्ट करना चाहता है, लाइक आपका मेल बॉक्स हो गया, आर्काइव मेल बॉक्स हो गया, वन ड्राइव हो गया, इन सभी का आप साइज़ वगैरह देखना चाहते हो, तो आपको इस कमांड का बहुत ही मतलब यूज़फुल कमांड है। और मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने फाइव, यानी कि 1 2 3 4 5 है, फाइव नंबर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, आपको सिक्स जो कमांड्स है उसमें भी आपको कुछ नहीं चेंज करना है। सातवें कमांड में आपको यहाँ पे कंपनी का नाम रखना है, जैसे मैंने क्लाउड टेकी मेरी कंपनी का नाम है, यानी कि मेरा डोमेन नेम है cloudtechie.in। डॉट इन नहीं यूज़ करना है आपको, सिर्फ आपको डोमेन यूज़ करना है, यानी कि नेम यूज़ करना है क्लाउड टेकी। इसके जगह आप अपनी कंपनी का कोई भी नाम रख सकते हो आप। ठीक है, आठवें नंबर पर यहाँ भी आपको जहाँ जहाँ मैंने क्लाउड टेकी आप नाम यूज़ किए हुए हैं वहाँ वहाँ आप जा करके अपनी कंपनी का नाम दे करके इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने चार जगह इस यहाँ पे नौ कमांड है और नौ जगह में अपना चार जगह कंपनी का नाम मैंने एडिट करके डाला हुआ है। ठीक है, तो ये कमांड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और इस कमांड का यूज़ करके आप अपनी कंपनी का डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी साइज वगैरह जो भी है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम कमांड कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लेता हूँ कमांड और मैं पावर शेल में जाता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना है, कमांड पेस्ट करना है। ओके, पेस्ट नहीं हो रहा है, चलिए यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट करके मैं पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, नहीं हो रहा है, दोबारा ट्राई करते हैं। कॉपी पेस्ट, ओके, उसके बाद क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। मैंने एंटर प्रेस किया और वेट करते हैं। ओके, गाइज आप देख सकते हैं कि अनट्रस्टेड रिपोजिटरी शो कर रहा है यहाँ पे। हमें क्या करना है, हमें वाई प्रेस करना है या ए प्रेस करते हैं, मुझे वाई यस या ए यस टू ऑल। ओके, हम ए प्रेस करते हैं क्योंकि सभी का हमें एक्सपोर्ट करना है, तो ए प्रेस करके एंटर करेंगे। उसके बाद दूसरा कमांड यूज करता हूँ, ओके, दूसरा कमांड मैंने गाइस दूसरा कमांड हमने यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, तीसरा कमांड यूज़ करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, तीसरा कमांड यूज़ करते हैं, कॉपी किया मैंने, फिर से मैं पावर सेल पर जाता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ।
और यहाँ पे यूजर प्रिंसिपल नेम है, यहाँ पे आपको अपना जो ग्लोबल एडमिन का क्रेडेंशियल है वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। यानी कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मनीष एट क्लाउड टेकी डॉट इन, ओके एंड प्रेस एंटर। और गाइज आप देख सकते हैं कि साइन इन का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। और जैसा कि हमें MFA इनेबल किया हुआ है तो मैं मुझे ये कोड्स मांग रहा है, मैं कोड एक बार एंटर करता हूँ 312818 सॉरी एंड वेरीफाई करता हूँ। गाइज आप देख सकते हैं ये वेरीफाई होना शुरू हो गया है, वेट करते हैं। ओके वेरीफाई हो गया, उसके बाद से हम क्या करेंगे, तीसरा जो दूसरा कमांड है हमें कौन सा कमांड यूज करना है, फोर्थ, और फोर्थ हमने यूज करना है। ओके फोर्थ कमांड को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, पावरशेल में आने के बाद इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ओके एंटर प्रेस करते हैं और वेट करते हैं। चलिए पांचवा कमांड यूज करते हैं हम, गेट मेल बॉक्स, आर्काइव मेल बॉक्स के लिए कमांड है गाइज, तो हम इसको आर्काइव मेल बॉक्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो फोर्थ कमांड है यूजर मेल बॉक्स के लिए है, और मैं दोबारा से पावरशेल में जाता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ओके ओके नो इशू गाइज, ये इसलिए कमांड ये आपको एरर ये लग रहा होगा कि एरर है, बट ये एरर नहीं है, ये गाइज एरर नहीं है, ये एक बता रहा है यहाँ पे कि आपने आर्काइव इनेबल नहीं किया है, इसके वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं हम, नेक्स्ट कमांड पे हम आने के बाद में सिक्स कमांड यूज करेंगे वन ड्राइव के लिए, ठीक है। शेयर पॉइंट मतलब कोलाबरेट वन ड्राइव के साथ हुआ रहता है, इसलिए हम ये वाला कमांड यूज करेंगे। और चलिए पावरशेल में चलते हैं, एंटर प्रेस किया और वेट करते हैं। चलिए दोबारा से मैं दूसरा कमांड ले रहा हूं, सेवेंथ कमांड यूज करता हूं और मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी। ये कमांड SPO सर्विसेज के लिए यूज होता है, ठीक है। पावरशेल में आ गया, मैं आने के बाद एंटर किया और दोबारा से ये लॉगिन करने के लिए मांग रहा है, ठीक है, क्योंकि शेयर पॉइंट में लॉगिन करने के लिए ये कमांड है, तो ये कनेक्ट करने के लिए, यानी कि SPO सर्विस को कनेक्ट करने के लिए ये कमांड यूज होता है। तो मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ, मनीष एट द रेट क्लाउड टेकी डॉट इन, एंटर प्रेस किया, पासवर्ड दोबारा से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और दोबारा से मेरे पास में ये ऑथेंटिकेटर का मांग रहा है, मैं दोबारा से पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे 7828 3 1 और इसे वेरीफाई कर देते हैं। और ये वेरीफाई हो गया है,
उसके बाद से हम आठवां कमांड यूज करेंगे, एट नंबर का कमांड यूज करेंगे, कॉपी एंड पावर शेल बजाने के बाद में इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहां पे। और वेट करते हैं और ये लास्ट कमांड है, ठीक है, इसको मैं यहां तक मुझे कॉपी करना है, इसमें आपका सारे स्टोरेज वन ड्राइव की साइजेज वगैरह जितने भी है सारे एक्सपोर्ट करेगा ये। और दोबारा से मैं पावर सेल पर जाता हूँ और मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, फिर एंटर प्रेस करते हैं और वेट करते हैं। ओके, हमने वन ड्राइव पर कोई डेटा वगैरह नहीं है, ठीक है, उसके बाद से हम क्या करता हूँ इसको क्लोज कर देते हैं। ओके गाइज, उसके बाद हम चलते हैं सी ड्राइव में। सी ड्राइव में गया और देखिए यहां पे आर्काइव साइज एंड मेलबॉक्स साइज एंड वन ड्राइव साइज, ये तीनों फोल्डर हमारे पास में एक्सपोर्ट हो गया है, ठीक है। जितने भी यूजर्स हमारे टेनेंट पे है वो सारे यूजर्स का और यहां पे आर्काइव जो इनेबल किए होंगे उसका, उसके बाद से मेल बॉक्स साइजेस एंड वन ड्राइव साइज, ये जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया। एक बार मैं आपको ओपन करके एक एक फोल्डर को आपको दिखा देता हूँ। आर्काइव साइज मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि हमने कोई मेल बॉक्स के लिए आर्काइव इनेबल किया ही नहीं है, ठीक है ना। मेल बॉक्स साइज देखते हैं तो हमारे पास में कुछ यूजर हमने क्रिएट किया हुआ है, देखिए हमने 6-7 यूजर क्रिएट किया हुआ है, उसका मेल बॉक्स साइज दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कितना मेल बॉक्स साइज है यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद से वन ड्राइव भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि वन ड्राइव का साइज यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।